हेलो दोस्तों, आज के समय में कोई हमसे कितना भी दूर क्यों ना हो, हम सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल से उससे बातें कर सकते हैं, जबकि पहले के समय में ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। आज हम हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं, पर इन सब चीज़ों के आविष्कार से पहले के समय के लोगों के लिए ये सब चीज़ें एक कल्पना मात्र ही थी, या कहें ये चीज़ें उनके लिए एक रहस्य थी कि क्या ये कभी संभव हो पाएगा। पर वैज्ञानिकों के लगातार रिसर्च ने इन सभी चीज़ों को संभव कर दिखाया, और आज के समय में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जनरेशन के लिए एक फिल्मी कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। पर हो सकता है कि आने वाली जनरेशन के लिए ये सभी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हों। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही रहस्य और रोमांच से भरी कुछ खोज के बारे में बताऊँगा, जिनके रहस्य खुलने के बाद इंसान ही नहीं बल्कि धरती का संपूर्ण भविष्य ही बदल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइम मशीन की। हम सभी के बीते वक्त में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम सभी यही सोचते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, या काश हम बीते वक्त में जाकर उन चीज़ों को बदल पाते। पर क्या ये हो सकता है? वैसे तो भारत में कई ऐसे साधु और महात्मा हुए हैं जो आँख बंद करके आपके अतीत और भविष्य में झांक लेते थे, पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये काम एक मशीन कैसे कर सकती है। इस टाइम मशीन की कल्पना की शुरुआत तब हुई जब इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नाम का एक उपन्यास प्रकाशित किया, जिससे पूरे यूरोप में तहलका मच गया और वैज्ञानिकों को इस आइडिया ने अपनी तरफ आकर्षित किया, और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने में लग गए। खैर, टाइम मशीन अभी एक कल्पना ही है, पर कई लोगों का दावा है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है और वो अपने भूतकाल या भविष्य में जाकर वापस भी आए हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि समय यात्रा संभव है, जबकि अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिर्फ एक कल्पना मात्र ही रहेगी। अब अगला रहस्य है अमर होने का रहस्य। तो अमर कौन नहीं होना चाहता? समुद्र मंथन में अमृत निकला था, जिसे पाने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया और वे अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में कुछ ऐसा है कि अमृत निकला और क्या आज भी निकल सकता है? वैज्ञानिक इस पर भी शोध कर रहे हैं कि क्या अमरत्व हासिल किया जा सकता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार तो आज भी धरती पर कई ऐसे लोग हैं जो कई युगों से जीवित हैं। महाभारत में 7 ऐसे लोगों का वर्णन मिलता है जो कभी मरे ही नहीं, और वो 7 चिरंजीवी हैं: राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। और कई विद्वानों का मानना है कि मार्कंडेय ऋषि भी जीवित हैं। माना जाता है कि ये सभी पिछले कई हज़ार वर्षों से धरती पर जीवित हैं। मगर क्या धरती पर रहकर हज़ारों वर्षों तक जीवित रहना संभव है? वैज्ञानिक इसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से शोध में लगे हुए हैं, और शायद ये एक ऐसी कल्पना है जिसे भविष्य में हम साकार होते हुए देखें। अब अगले नंबर पर आता है गायब होने का रहस्य। अमर होने से ज़्यादा लोगों में गायब होने की तमन्ना है। सभी चाहते हैं कि जब भी वे चाहें इनविजिबल हो जाएं। ये भी रहस्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जिसमें कई ऐसे लोग रहे हैं जो कभी भी अदृश्य हो सकते थे। जिसने भी मिस्टर इंडिया फिल्म देखी, उसके मन में यही आया कि काश उसके पास भी ऐसी ही कोई पावर आ जाए। और माना जाता है कि हिमालय पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जिनके माध्यम से एक ऐसी गोली बनती है जिसको मुंह में रखने से आप तब तक गायब रह सकते हैं जब तक उसका असर खत्म ना हो जाए। यहाँ तक वैज्ञानिकों ने भी नैनो टेक्नोलॉजी से एक ऐसा लबादा तैयार कर लिया है जिसकी मदद से आप गायब हो सकते हैं। पर भले ही इसमें सामने से आपको कोई ना देख पाए, पर बगल से आप पूरी तरह दिखाई देंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी से ये पूरी तरह संभव हो जाए। अब अगला रहस्य एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसके सबूत तो हैं, पर फिर भी वैज्ञानिक इसे खोज नहीं पाए हैं, और ये है बिगफुट का रहस्य। अमेरिका, अफ्रीका और भारत सहित कई देशों में बिगफुट की खोज लगातार जारी है, और कई लोगों ने बिगफुट को देखने का दावा किया है। बिगफुट को येती के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है येती ज़्यादा बालों वाले महामानव हैं, जो घने जंगलों में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई आता जाता ना हो। माना जाता है कि इनमें जादुई शक्तियाँ होती हैं और ये बेहद ही विशालकाय होते हैं। भारत में तो सफ़ेद येती भी देखे गए हैं, पर इनके बारे में आज भी रहस्य बरकरार है। अब नंबर आता है एलियंस के रहस्य का। लगातार कई दशकों से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एलियंस के होने या ना होने के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, पर आज तक कोई भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है।
पर सभी का मानना है कि एलियंस की मौजूदगी कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, और हमेशा कई ऐसे संकेत मिलते रहे हैं जो एलियंस की मौजूदगी को साबित करते हैं, पर आज तक एलियंस से संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि नासा के टॉप साइंटिस्ट का कहना है कि 2025 तक एलियंस के होने का पुख्ता सबूत मिल जाएगा, जबकि कई लोगों का तो मानना है कि नासा को एलियंस के होने का सबूत मिल चुका है, पर वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं। खैर, हो सकता है कि आने वाले समय में वैज्ञानिक इन सभी कल्पनाओं को सच करके दिखा दें। हो सकता है कि हमारी आने वाली जनरेशन टाइम ट्रैवल से लेकर इनविजिबल होने वाले आविष्कार तक की गवाह बने। पर आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कभी भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।